Welcome everyone, I am Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, today is the second day of our 5-day challenge. कल हमारा फर्स्ट डे था. इस फर्स्ट डे में हमने कुछ फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया. हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट डे, या फर्स्ट यूनिट के कितने क्वेश्चंस को आप कवर कर चुके हैं, मेंशन करना ना भूलें कमेंट बॉक्स में. आज हम अपने सेकेंड डे में सेकेंड यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. Dear learners, I have my WhatsApp channel also. You can join me on my WhatsApp channel also, which is by the same name, Chemistry by Dr. Anjali Saxena. I have my Facebook page also. I have my Telegram channel. I have Instagram page also and YouTube channel also. इससे related जो भी आपकी queries हैं, जिनसे related आपको solution चाहिए इन questions के, आप मुझे comment box में लिख सकते हैं. मैं अपने Telegram channel या अपने WhatsApp group पर उन solutions को update कर दूंगी. आइए स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट टू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को. यूनिट टू जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी यूनिट टू है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्टीरियोकेमिस्ट्री की. स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्टीरियोकेमिस्ट्री दो टॉपिक हैं हमारे, स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिन्हें हम वन बाय वन समझेंगे. पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे. स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है वो है एब्जॉर्प्शन लॉ, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. एब्जॉर्प्शन लॉ, जिसमें हम कवर करते हैं लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ इनके न्यूमेरिकल के साथ, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे हम जानते हैं, तो हम इसमें ट्रांजिशंस क्या होते हैं, रीजंस क्या होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं. इसमें हम क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम भी पढ़ते हैं, वेरियस एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट भी पढ़ते हैं. आईआर या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हम देखते हैं कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आईआर एक्टिव होते हैं, यूवी एक्टिव कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना भी सीखा था हमने. इन तीनों में ही दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि यूवी में ट्रांजिशन आइडेंटिफाई करना कंपाउंड्स में, आईआर एक्टिव कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना, एनएमआर स्पेक्ट्रम प्रेडिक्ट करना. इन तीनों में से कोई एक दो नंबर का क्वेश्चन तो आपको 100% सेक्शन ए में दिखाई देगा. बाकी इस चैप्टर की जो अगर हम सबसे बड़ी खासियत कहें तो वो ये है, पिछले दो पेपर से यानी कि 2022-23 में फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में जो भी पेपर आए हैं उसमें सारे ही क्वेश्चन या तो दो नंबर के हैं या 3.5 नंबर के हैं. 7 मार्क्स का अकेला कोई क्वेश्चन नहीं आया है. 7 मार्क्स के क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिससे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की गई. तो क्वेश्चन की लेंथ भी ऐसा नहीं है, इन क्वेश्चन को कवर अगर किया जाए तो इनका कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं तो लिखने का बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कवर करने में बहुत कम टाइम लगता है. तो इसके मेनली जो एक पैटर्न थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि इसमें 3.5 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है. तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के वो कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, आईआर के कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, एनएमआर के कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि 2 मार्क्स और 3.5 मार्क्स में बन सकते हैं, इनको हम वन बाय वन देखेंगे. आइए सबसे पहले देखते हैं अपने एब्जॉर्प्शन लॉ यानी कि लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ के क्वेश्चन. देखिए जो लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ है ये थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों फॉर्म में आता है. सबसे पहले ये पूछा जा सकता है ब्रीफली एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन लॉ. लैम्बर्ट बियर्स लॉ पूछे जाने के चांसेस इस वक्त बहुत ज्यादा हैं. इसको इस बार पूछे जाने की उम्मीद इसलिए ज्यादा है, पिछले दोनों पेपर यानी कि 22-23 फर्स्ट सेम सेकंड सेम दोनों में ही ये नहीं पूछा गया है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, इनके लॉ पूछे जा सकते हैं और इसको न्यूमेरिकल के साथ अटैच करके 7 मार्क्स का बनाया जा सकता है, या फिर 3.5 में ये आ सकता है यानी कि 3.5 मार्क्स में या तो सिर्फ थ्योरी आ जाए या सिर्फ न्यूमेरिकल आ जाए. किसी एक के आने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन कनेक्ट किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है. क्योंकि ऐसा होता है कि फर्स्ट पार्ट में आपसे एब्जॉर्प्शन लॉ पूछ लिया, सेकंड पार्ट में यूवी का या आईआर का न्यूमेरिकल दे दिया या एनएमआर का न्यूमेरिकल दे दिया. इसी तरीके से जब ऑप्शन इसका होगा तो भी आपके क्वेश्चन जो होंगे वो 4 क्वेश्चन एक तरीके से देख लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के होंगे. एक और पैटर्न की मैं अगर बात करूं तो क्या हो रहा है कि सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आ रहा है वो स्टीरियो से आ रहा है और सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसके जो दो पार्ट हैं ए और बी वो दोनों ही स्पेक्ट्रोस्कोपी के होते हैं, तो कंपलसरी क्वेश्चन है. अब ए और बी का दो पोर्शन होंगे,
ऐसे बी के दो पोर्शन होंगे वन और टू, तो चार टॉपिक यहाँ पर कवर करे गए जिनमें से या तो आप इसको अटेंड करेंगे या आप इसको अटेंड करेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्यादा से ज्यादा कवर की जा रही है, कंपल्सरी क्वेश्चन दिया जा रहा है, सेक्शन बी में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो आपका लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ है इसमें 3.5 में या तो थ्योरी पूछी जाएगी या न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल के कुछ तीन तरीके के पैटर्न है, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपके नंबर कवर हो जाएंगे। इवन इसका एब्जॉर्प्शन लॉ का जो न्यूमेरिकल है वो 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो कैलकुलेट द एब्जॉर्बेंस वैल्यू इफ 80% लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉल्यूशन, आज आप इसको कवर करिए। इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल जो मैं दे रही हूँ उस तरीके के पैटर्न के कुछ न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराए हुए हैं ऑलरेडी, आप उसी के बेसिस पर सॉल्व करिए। अगर आपकी कोई परेशानी आती है नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी। एक पैटर्न ये है कि एक डेफिनेट वेवलेंथ पर एक एब्जॉर्बर प्लेस इन अ सेंटीमीटर इन अ सेल ऑफ 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ एब्जॉर्ब्स 20% ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि आपको एल दे दिया एब्जॉर्ब्स 20% ऑफ इंसिडेंट लाइट दे दिया, आई नॉट 100 रहा होगा तो 20% लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इफ द एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ द एब्जॉर्बर एट दिस वेवलेंथ इज 2, अब आपको एब्जॉर्प्टिविटी दे दी तो आपको फाइंड आउट इट्स कंसेंट्रेशन निकालना है। तो आपको ए इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल फॉर्मूला है जिसमें कि दो तरीके से आ सकता है कि दो नंबर में आएगा तो इन चारों में से कोई तीन चीज दे दी जाएंगी, और अगर ये लेंथ बढ़ती है यानी कि 3.5 नंबर में आता है तो आपको ए भी निकालना होगा लॉग आई नॉट अपॉन आई टी से, जो कि मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, जहां आई नॉट है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आई टी है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, जो कि इस क्वेश्चन में भी आपको दिखाई दे रहा है। और अगर ए इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल देखें तो उसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल ये है, देख सकते हैं आप। अ कंपाउंड हैविंग कंसंट्रेशन यानी कि सी दिया हुआ है, एब्जॉर्बेंस वैल्यू यानी कि कैपिटल ए दिया हुआ है, वेवलेंथ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर सेल यानी कि एल दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स एब्जॉर्प्टिविटी एप्सिलॉन आपको कैलकुलेट करना है, जब आप मोल पुट करेंगे तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी निकल जाएगा यानी कि सी अपॉन एम मोलर मास रख देंगे जब हम, तो आपका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी निकल जाएगा। तो एक बार एब्जॉर्प्टिविटी निकालनी है एक बार मोलर एब्जॉर्प्टिविटी निकालनी है। तो यही क्वेश्चन बनते हैं लैम्बर्ट्स वियर्स लॉ के, आपको जरूर कवर करने चाहिए, या तो 2 नंबर या 3.5 नंबर में ये आपको जरूर दिखाई देगा। बहुत छोटा सा बहुत इजी सा कंसेप्ट है, केवल एक यही फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला इसको सपोर्ट करता है। तो ये है लैम्बर्ट्स वियर्स लॉ के क्वेश्चन, अगर आप ये 3 न्यूमेरिकल के पैटर्न को पूरे तरीके से कर लेते हैं और ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक पूरे तरीके से क्लोज हो जाएगा। अब देखते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी वही हम बात करने जा रहे हैं, या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 3.5 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, जिसलिए मैं यहाँ पर 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपका ये क्लियर हो कि जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें उसकी ट्रांजिशनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं। ट्रांजिशनल एनर्जी में चेंजेस आने के कारण जो ट्रांजिशंस होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, दूसरा होता है आपका एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर होता है आपका पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, देन एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग। इसमें इसके लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए और इनके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। इन दोनों के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो आपको यूवी रीजन या विजिबल रीजन प्रोवाइड नहीं कर पाता। यूवी रीजन है 200 से 400 नैनोमीटर और विजिबल रीजन है 400 से 800 नैनोमीटर। तो 200 से 800 नैनोमीटर का जो रीजन है वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता कि ये जो स्टेबल सिग्मा इलेक्ट्रॉन है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इनको इनकी जगह छोड़ के ये एक्साइटेड होकर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में चले जाए। तो यहां 2 तरीके के क्वेश्चन है कि पॉसिबिलिटी क्या है और होंगे कौन से। तो पॉसिबल तो ये 4 ट्रांजिशन होते हैं लेकिन हो ये 2 ट्रांजिशन ही पाते हैं, तो वो कंपाउंड जिनमें ये 2 ट्रांजिशन होंगे वो ये ट्रांजिशन शो कर जाने के कारण यूवी एक्टिव हो जाएंगे और उनकी स्टडी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हो जाएगी। तो कौन से कंपाउंड है, जैसे कि आपसे पूछा है कि विच वन विल बी यूवी एक्टिव एंड व्हाई, तो आपको इसमें टाइप ऑफ ट्रांजिशन निकालने हैं। टाइप ऑफ ट्रांजिशन देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, जहां कहीं भी हेट्रो एटम जैसे कि ओ एन बी आर एफ सी एल आई
ये होंगे, जहां कहीं भी ये हेट्रो एटम होंगे वहां नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए यहाँ पर CH3 कार्बन की चार वैलेंसी होती है, तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर दो ही तरीके के ट्रांजिशन होंगे, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइटेड होकर सिग्मा में, एन वालों का कोई अपना घर नहीं है, वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं, वो पाई एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं। अगर पाई होगा तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी होगा। अब आप देख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो दो तरीके के ट्रांजिशन हुए, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये दोनों पॉसिबल तो हैं लेकिन होते ही नहीं है, जब होते नहीं है तो ये यूवी इनएक्टिव हो गया। तो जहां केवल ये दो ट्रांजिशन होंगे दैट विल बी यूवी एक्टिव। इसी तरीके से आप आगे देखिए, ये तो हुआ एक तरीके का क्वेश्चन कि आपसे दो नंबर में पूछे जाने की उम्मीद इसकी बहुत ज्यादा है, ये आपसे दो नंबर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ यूवी और आईआर स्पेक्ट्रा। तो यहाँ यूवी की बात कर रहे हैं, इथाइल बेंजीन और स्टाइरीन, इनको आप सॉल्व करिए। आपको याद होगा तीन तरीके के आपको पॉइंट याद रखने के लिए बोला था, सबसे पहले बोला था अनसेचुरेशन, फिर आपसे बोला था नंबर ऑफ अनसेचुरेशन, फिर आपसे बोला था कॉन्जुगेशन। ये जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इथाइल बेंजीन, तो आप देखिए इथाइल बेंजीन जो होगा ये होगा CH2CH3, जबकि स्टाइरीन क्या होगा, स्टाइरीन कुछ इस तरीके का होगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही अनसेचुरेटेड है, लेकिन नंबर ऑफ अनसेचुरेशन किस में ज्यादा है, नंबर ऑफ अनसेचुरेशन स्टाइरीन में ज्यादा है। यहाँ पर तीन ही है, यहाँ पर चार है, तो कॉन्जुगेशन किस में ज्यादा है, स्टाइरीन में ज्यादा है। तो ये ज्यादा वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब होगा, जबकि इथाइल बेंजीन कम वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब होगा। तो इसे आप इस तरीके से क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दो नंबर में भी अपनी जगह ले सकता है और 3.5 नंबर में भी अपनी जगह ले सकता है, वो है क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। तो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम जो है वो आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, हालांकि 2022-23 फर्स्ट सेम सेकंड सेम दोनों में ही ये क्वेश्चन आया है। 2022-23 फर्स्ट सेम की अगर मैं बात करूं तो वहां कुछ कंपाउंड दे दिए थे जिसमें आपसे क्रोमोफोरिक ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था, जबकि इवेंट सेम में क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम डायरेक्टली पूछा था 3.5 नंबर में, और इसके साथ एक न्यूमेरिकल था जहां सेम इस तरीके का न्यूमेरिकल था, आपको दो कंपाउंड दिए हुए थे और डिफ्रेंशिएट कराया हुआ था उसमें, तो वेवलेंथ से आपको डिफ्रेंशिएट करना था। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस बार दो नंबर में अपनी जगह ले सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि इम्पॉर्टेंट बहुत ज्यादा, तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर है, और आपका कंसेप्ट क्लियर होते ही मुझे ऐसा लगता है कि 20 मिनट से ज्यादा इस टॉपिक को क्लोज करने में आपको बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। आइए देखते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ क्वेश्चन। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर पूरा नहीं होगा। हालांकि 2022-23 इवेंट सेम में ये नहीं पूछा गया है, ऑड सेम में इसको पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो भाई IR रीजन में फिंगरप्रिंट रीजन और फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होते हैं, और फिंगरप्रिंट रीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर किसी भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वेरियस वाइब्रेशंस आपको पता हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको IR एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड का पता होना चाहिए कि IR एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, IR इनएक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं। IR कंपाउंड एक्टिव होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि आपके कंपाउंड में डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। अगर आपके कंपाउंड में डाइपोल मूवमेंट है तो वो IR एक्टिव होगा, ये कंडीशन है। जैसे कि यूवी की अगर मैं बात करूं तो यूवी के लिए जो कंडीशन है वो है अनसेचुरेशन। आपका कंपाउंड जब अनसेचुरेटेड होगा तभी वो यूवी एक्टिव होगा, जब वो अनसेचुरेटेड होगा तभी वो यूवी एक्टिव होगा। अगर आपका कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट है तभी वो IR एक्टिव होगा। तो आपको IR एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड का आनंद आना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं जिनमें आपको वेरियस स्ट्रेचिंग्स और बैंडिंग्स याद रखनी पड़ती हैं, और इसमें सी डबल बॉन्ड ओ के क्वेश्चन जनरली ज्यादा आते हैं, तो आपको वेरियस स्ट्रेचिंग और बैंडिंग दी हुई होंगी,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ होगा जिससे कंपाउंड आइडेंटिफाई करना होगा, और इस तरीके का क्वेश्चन जरूर 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 आएगा। एक मतलब इसके ऑप्शन में क्या आता है ये वाली बात है, तो ये इस तरीके का एक क्वेश्चन तो आता ही है और इजी होता है अगर आप इनकी वाइब्रेशंस को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें। आप इस तरीके के क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करिए। मैं इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगी, वहां पर आप अपना आंसर मैच भी कर सकते हैं। तो ये थे IR के क्वेश्चन। दो ही तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, IR एक्टिव इनएक्टिव कंपाउंड क्या है, फिंगरप्रिंट। आप इस क्वेश्चन को तो जरूर जरूर कर लीजिए, इसे तो बिल्कुल मत छोड़िए। और इस तरीके के क्वेश्चन दो तीन भी अगर आपने करने की कोशिश करी तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इन्हें करना बहुत आसान है, आपको बस अटेंड करना आना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा जरूर। अब देखते हैं NMR के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NMR के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस ज्यादा है। अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई चार क्वेश्चन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के 3.5 मार्क्स में आने हैं, तो पहला क्वेश्चन IR का न्यूमेरिकल और दूसरा क्वेश्चन NMR का केमिकल शिफ्ट, ये मैं जरूर कहूंगी। केमिकल शिफ्ट आप जरूर 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 कवर करिए, और फिर तीसरे नंबर पर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। ये केमिकल शिफ्ट आपको जरूर करना चाहिए, और इसको कवर करते वक्त आप शील्डिंग और डी शील्डिंग ना भूलें। अगर देखें तो आपका जो ऑड सैम था उसमें भी और इवन सैम में भी, दोनों में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आया था। जो ऑड सेमेस्टर है 2022-23 इवन सैम का, वहां पर TMS प्लस न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, जबकि इवन सैम की जब हम बात करते हैं तो हमसे शील्डिंग डी शील्डिंग प्लस न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। तो NMR की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आएगा और उसकी चॉइस में कोई और आएगा। तो यहाँ पर शील्डिंग डी शील्डिंग केमिकल शिफ्ट, ये तीनों टॉपिक आप कवर कर लीजिए आज, और इसको कवर करने के बाद TMS का रोल जो कि दो नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, हालांकि अभी हमसे लास्ट सेम में ही पूछा गया है, लेकिन ये अभी भी सेक्शन ए में अपना प्लेस बना सकता है कि TMS क्यों इम्पोर्टेंट है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, या इसको एज ए इंटरनल स्टैंडर्ड हम क्यों यूज करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसके बाद आपसे NMR प्रिडिक्ट कराने का एक दो नंबर का क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जैसे कि मैं कोई भी कंपाउंड लिख दूं, जैसे कि मैं लिख दूं CH3OH, या फिर मैं आपसे कहूं CH3OCH3, इनके लिए NMR स्पेक्ट्रम प्रिडिक्ट करिए। तो ये बहुत ही आसान है, एक मैंने शॉर्ट की फॉर्म में इसको बनाया भी हुआ है, आप उससे वहां से अपना टॉपिक कवर कर लीजिए। वहां पर सिंपल सी बात है, जितने टाइप के प्रोटोन होंगे, जितने टाइप के प्रोटोन का एनवायरमेंट होगा, जैसे ये कार्बन है ये ऑक्सीजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो आपको देखना कितने टाइप के हाइड्रोजन है। तो यहाँ दो टाइप के हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल दो हो जाएंगे। इसको अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूं, इसको बी से रिप्रेजेंट करूं, यहाँ देखिए यहाँ पर कार्बन पर CH3 जो कि ओ से जुड़े हुए हैं, यहाँ कार्बन पर CH3 जो कि ओ से जुड़े हुए हैं, तो दोनों की कंडीशन बिल्कुल सेम है, दोनों की कंडीशन सेम है, तो इनके लिए केवल एक टाइप के सिग्नल मिलेंगे और इस कंपाउंड के लिए एक सिग्नल मिलेगा। तो ये तो होता है नंबर ऑफ सिग्नल, कितने टाइप के प्रोटोन है, तो वहां से सिग्नल निकाल लेते हैं। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे स्पेक्ट्रम पूछा हुआ है, तो जब स्पेक्ट्रम पूछा जाए तो सिग्नल प्लस स्प्लिटिंग आपको बतानी है। तो जब आपको सिग्नल प्लस स्प्लिटिंग बतानी है तो सिग्नल की स्प्लिटिंग जो होती है वो N+1 रूल के अकॉर्डिंग होती है, जहां N है पड़ोसी के पास हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ प्रोटोन एट एडजेसेंट का एटम, और एडजेसेंट वही है जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो A है इसकी सिग्नल तो देगा लेकिन स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, और जब ये OH जो है ये भी स्प्लिटिंग नहीं देगा, जब कार्बन इसका नेबर नहीं है तो ऑक्सीजन भी इसका नेबर नहीं होगा, तो इसके लिए कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, इसके लिए केवल दो सिग्नल मिलेंगे, स्प्लिटिंग किसी सिग्नल की नहीं होगी। और अगर इस केस में देखें तो स्प्लिटिंग इस केस में भी नहीं होगी, क्योंकि एडजेसेंट एटम के पास, हालांकि एडजेसेंट ऑक्सीजन है, कार्बन है ही नहीं, और उसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। लेकिन अगर इस केस में देखें जैसे कि CH3CH2OH, तो अगर इस केस को अगर आप देखें तो यहां पर सिग्नल मिलेंगे तीन, ए बी और सी, इसके लिए पड़ोसी ये है और इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसकी स्प्लिटिंग होगी 2+1 में। इस कार्बन के लिए पड़ोसी केवल ये है, ये नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसके लिए स्प्लिटिंग होगी 3+1 में, और क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इसके लिए होगी 0+1 में। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सिग्नल और हम स्प्लिटिंग निकाल लेते हैं। फिर बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की।
अनऑर्गेनिक कंपाउंड देखे, कुछ न्यूमेरिकल पैटर्न मैंने यहाँ पे फिक्स पैटर्न दिखाने की कोशिश करी है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H6O है जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। हाउ विल इट्स एनएमआर स्पेक्ट्रम डिसाइड वेदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन? अब आप बता सकते हैं कि एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा, स्पेक्ट्रम से निकाल के बता सकते हैं किसके लिए कितने सिग्नल मिलेंगे। इसी तरीके से एक और कंपाउंड देने की कोशिश करी है जहां आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, प्रेडिक्ट करना है। तो टोटल चार तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ, पांच तरीके के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। एक तो थ्योरी फिक्स है, आएगी, उसके साथ न्यूमेरिकल आएगा। TMS एज अ स्टैंडर्ड दो नंबर में पूछा जा सकता है। NMR का स्पेक्ट्रम प्रेडिक्ट करना दो नंबर में जरूर पूछा जाएगा। अब NMR के न्यूमेरिकल दो तरीके से आ सकते हैं, या तो इस तरीके के आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, आपको सिग्नल्स बताए जाएंगे वेरियस प्रोटॉन के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, कंपाउंड आइडेंटिफाई कराया जाएगा। तो ये है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम इस यूनिट की बात करते हैं तो दो ही चैप्टर हैं, एक है स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो अब हम कवर करने जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को। स्टीरियोकेमिस्ट्री जिसमें हमें पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज, एट्रोप आइसोमेरिज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, काइरल ड्रग्स। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सेक्शन बी में ही ये आपसे पूछा जा सकता है, और इससे जो क्वेश्चन आएगा वो पूरा 7 मार्क्स में आएगा। तो यहाँ 7.5 के आने के चांसेस नहीं है, 7 मार्क्स का सेक्शन बी में आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। जो क्वेश्चन अपनी जगह बनाए हुए हैं पिछले पेपरों से, यानी कि 2022-23 दोनों में, ऑड सेम और इवन सेम में, तो वो ये क्वेश्चन था एट्रोप आइसोमेरेज, वो कंपाउंड जिनमें कोई भी काइरल कार्बन एटम ना हो फिर भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरेज शो करें, ऐसे कंपाउंड्स को एट्रोप आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म को एट्रोप आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो ऑड सेम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एट्रोप आइसोमर्स और एट्रोप आइसोमेरिज्म, और एक्सप्लेन करिए 5 एग्जांपल के साथ। लास्ट सेम में बड़ा घुमा के क्वेश्चन आया था, उसमें एलीन डेरिवेटिव क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल एक डबल बॉन्ड है यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में पूछा था कि वो ज्योमेट्रिकली एक्टिव क्यों है। तो अगर एलीन डेरिवेटिव देखें तो उसमें क्यूम्युलेटिव दो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं उसमें एक आइसोमर बोला था। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि भाई ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जबकि ये ज्योमेट्रिकली एक्टिव होते हैं क्यों, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। तो आप इस क्वेश्चन को तो जरूर कवर करके जाएं, और इस क्वेश्चन को कवर करते ही आपका बहुत ही अच्छे से ये यूनिट तैयार हो जाएगी। काइरल ड्रग्स आपके दो नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार मुझे लगता है देखिए इस यूनिट से 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में जरूर दिखाई देंगे, ये बात फिक्स है। यूनिट 1 के 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद है सेक्शन ए में, लेकिन इससे 2 आपके क्वेश्चन आने की उम्मीद है, और वो 2 क्वेश्चन में से एक आपका काइरल ड्रग और एक NMR स्पेक्ट्रम प्रिडिक्ट करा लें या UV एक्टिव कंपाउंड प्रिडिक्ट करा लें, ये क्वेश्चन हो सकता है, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन काइरल ड्रग कवर करके इस पोर्शन को कवर किया जा सकता है। तो काइरल ड्रग आप कवर करके जाएं। डियर लर्नर्स, ये थे सारे टॉपिक इस यूनिट के। मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे कि आपका पूरा पेपर कवर हो सकता है, अच्छे नंबर के साथ आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर देने की कोशिश करिए। तो आज आप अपने सेकंड डे के चैलेंज में इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए, और बिलीव मी, अगर आप इसको यूनिट को देखने में डरावनी लगती है, थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को, लेकिन जब आपका कंसेप्ट के साथ इस पर बैठते हैं तो ये बहुत ईजीली कवर हो जाता है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। इन वीडियोस का सारी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इन सारी टॉपिक्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।